दक्षिण नागपुर में बहुद्देशीय सरस्वती नगर के प्रांगण में दशहरा के दिन शनिवार 12 अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सरस्वती नगर के प्रांगण में रावण दहन देखने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई और स्थान पर लगभग 2 से 3 हजार लोगों की उपस्थिति थी। सबसे खास बात यह है कि रावण दहन का कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से सरस्वती नगर के प्रांगण में होता है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में परिसर वासियों ने भाग लिया और आनंद उठाया। हर साल की तरह इस साल भी रावण का आकार और ऊंचाई बढ़ती जा रही है। रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती नगर बहुद्देशीय संस्था द्वारा किया गया और इस अवसर पर पूर्व विधायक सुधाकर कोड़े के शुभ हाथों से रावण दहन कार्यक्रम किया गया। सुनील मालिकर सम्मानित अतिथि थे। सभी के सहयोग से कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। इस अवसर पर बोर्ड के सभी वरिष्ठ अधिकारी सभी युवा साथी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.